नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। इस समय हमारे साथ श्वेता ढुल जी हैं जो रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट हैं, रोहतक आई हैं कुछ मुद्दों को लेके, खासतौर पे योग शिक्षकों योग कोचिज की जो अपॉइंटमेंट आयुष विभाग कर रहा है उसके मुतालिक वो कुछ बात करना चाह रही है। मैम, क्या ये मुद्दा क्या है? असल में मुद्दा योग जगत को लेकर है। पूरे योग में कोई निर्धारित पॉलिसी नहीं है। योग कोचेज लगाने चाहिए इन्हें, योग सहायक लगाने चाहिए, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर भर्ती करने चाहिए। कथनी में कुछ चल रहा है, करनी में कुछ चल रहा है, बाहर कुछ है, धरातल पर कुछ है, ये सब चीज़ें। प्लस एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। 22 आयुष योग कोच की भर्ती का इन्होंने विज्ञापन निकाला। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा वो भर्ती की जानी थी जी, लेकिन इन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 6 अप्रैल 2022 थी, उससे पहले ही 29 मार्च 2022 को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया अपने चहेते कैंडिडेट्स को। तो ये बैकडोर एंट्री थी, इसके ऊपर हमने सवाल उठाए। उसके बाद ये विड्रॉ की गई और उल जलूल सी इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशंस जी, तो वो उसके ऊपर हमें सख्त एतराज़ है जी। कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बैकडोर एंट्रीज, ये सब कुछ भ्रष्टाचार, इतना सारा कुछ, और उसके बाद आप योग जगत की तरफ देख नहीं रहे हैं, लेकिन भाषणों में, आश्वासनों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, जब से हमने पहला योग दिवस मनाया था 2015 में, तब से ही सरकार ने कहा था कि योग व्यायामशालाएं खुलेंगी गांव-गांव में और उनमें 6500 योग सहायक पॉइंट होंगे, तो उस पर क्या? देखिए, 2015 में कहा गया 65 योग व्यायामशाला खुलेंगी, 1000 योग सहायकों की नियुक्ति होगी, योग शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 66 कोच के पद खाली थे वो भरे जाएंगे। वो स्थिति जस की तस है, कुछ नहीं हुआ। बीच में योग सहायकों की नियुक्ति ज़रूर हुई लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। फिर उनकी कोविड काल में सेवाएँ ली गई बिल्कुल मुफ्त में। क्यों ऐसा किया गया, क्यों वो मुफ्त में इनसे 1.5 साल तक सेवाएं ली गई? पर ये आयुष विभाग योग कोचिज को अपॉइंट करने की जो बात आ रही है, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आयुष विभाग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है। जो कोच शब्द है, कोच शब्द अपने आप में ही एक खेल से संबंधित चीज़ है। खेल विभाग को कोचेस की भर्ती करनी चाहिए, यहाँ आयुष विभाग कोच की भर्ती कर रहा है। और इससे NIS कोचेस को, जो आज हमारे साथ मौजूद थे, उनको सख्त एतराज़ है कि वो खिलाड़ी बनाने के लिए जी तैयार हुए हैं, वो खिलाड़ियों को तैयार करेंगे, वो खुद नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, वो खुद अपनी इतनी योग्यताएँ अर्जित करके वहाँ तक पहुँचे हैं और वो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। आयुष विभाग यदि कल को टीचर की भर्ती करना चाहेगा तो क्या कर लेगा? क्या जो स्वास्थ्य विभाग है वो कल को ये टीचर की भर्ती करना चाहेगा? तो नहीं कर सकता। तो ऐसे एक विभाग दूसरे विभाग की भर्तियां नहीं कर सकता है, और ये क्लियर कट है, फाइनल है। इसमें कुछ क्वालिफिकेशन की भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल, क्वालिफिकेशन की दिक्कत है। जो कोच है वो ग्रेजुएट होना चाहिए और NIS होना चाहिए, डिप्लोमाधारी। बिल्कुल, HSSC से लेकर जो डिसिप्लिन है खेल के, exactly, उनमें ऐसे ही होता है। HSSC से लेकर, SSI से लेकर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अपने दिल्ली से लेकर या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी कोचेस की भर्ती निकली है सब में ग्रेजुएशन और NIS चाहिए था। सब में नेशनल लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए या फिर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स पार्टिसिपेंट होना चाहिए जी। उसको बराबर कर दिया 21 दिन के कोर्स के, 21 दिन, वो भी ऑनलाइन कोर्स, वो भी कोई निजी संस्थाएं करवा रही हैं, कुछ करवा रही हैं, वरीयता प्राप्त है हरियाणा सरकार से, तो उसके ऊपर तो सवाल उठाना बनता है। आप 3 साल के ग्रेजुएशन को 21 दिन के बराबर कैसे कर सकते हैं? आप एक NIS को, एक नेशनल लेवल को, जो ओलंपिक पार्टिसिपेंट है या कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेंट है, उसको बराबर कैसे कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल तो यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये क्या कर रही है हरियाणा सरकार। आप बातों में कितना ज़्यादा योग को आगे ले गए हैं कि योग में ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे संस्कृत जगत के बारे में बोला जाता है, संस्कृत जगत भी इतना ही पीड़ित है। इतना सब कुछ बातों में बोलना, लेकिन असल धरातल पर क्या हो रहा है? आज मैं आज की योग की सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगी। इतने दयनीय हालात हो गए हैं। 2017 से NIS स्टार्ट है, उससे पहले योग के 2015 से, जब से ये भाषण आश्वासन स्टार्ट हुए थे तब से ये बच्चे डिग्री डिप्लोमा करने लगे हैं और आज इनकी संख्या लाखों में पहुँच गई है, लेकिन पक्की भर्ती एक की भी नहीं हुई है। एक भी बच्चे की पक्की भर्ती नहीं है। और जो यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, PhD करवाती हैं, MA करवाती हैं, तो उनका वो कहाँ जाएंगे बच्चे? 21 दिन का कोर्स अगर होगा, कुछ भी नहीं,
वो बच्चे बस अपनी मांग कर रहे हैं, बार बार इनके पास आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं सीएम से, डिप्टी सीएम से, खेल विभाग, खेल मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, अनिल विज जी से, इतनी बार इन्होंने कहा है, इतने बार धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। क्या तो कह रहे हैं अंतिम करेंगे, आगे कर देंगे, हो जाएगी, क्या जल्दी है, निकाल रहे हैं भर्ती बार बार ये कहने पर। अब कोच की भर्ती 66 जब पद खाली हैं तो 22 कोच की भर्ती निकाली, और निकाली किसने, आयुष विभाग ने। जो क्वालिफिकेशंस रखी वो रख दी योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की, सहायकों की। आपस में मतलब मैंने जो रोजगार संबंधी जितने मुद्दे उठाए हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है हरियाणा सरकार की कि ये आपस में भिड़वा देते हैं बच्चों को। यहाँ योग सहायक भिड़ गए योग कोचेस से, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर भिड़ गए कि अरे ये तो हमारी क्वालिफिकेशन है, हमारी तुम भर्ती नहीं होने देना चाहते हो। जबकि कोचेस ये नहीं कह रहे हैं, कोचेस ये कह रहे हैं हमारी खेल विभाग में निकाल दें, आप लोगों की अलग निकल जाए, अलग निकल। हाँ, या तो क्वालिफिकेशन गलत है या पदनाम गलत है, एक चीज़ बदलनी पड़ेगी। जी जी, तो इसके लिए अगला कदम क्या है? अगला कदम, इन अभ्यर्थियों को, इन कोचेस को बुलाया गया है योग आयोग चेयरमैन द्वारा। यदि इनकी बात मान ली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मानी जाती है तो संघर्ष करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे 21 जून को। एक चीज, एक सवाल और है जी। जिस तरह से क्वालिफिकेशन का और जो पद नाम है उसका घाल मेल है, 21 दिन की ऑनलाइन कोर्स के बाद किसी को कोच लगाने की बात है, तो क्या आपको लगता है कहीं ये कोई सेटलमेंट है किसी के साथ? हो सकती है, मैं इससे बिल्कुल मना नहीं करूंगी कि सेटलमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन देखिए उसके अंदर जाने का काम ना तो मेरा है जी, ना ही अभ्यर्थियों का है। हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, यदि हरियाणा सरकार ने किया तो कुछ सोच के क्या होगा, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप NIS कोचेस को, नेशनल लेवल के खिलाड़ी को, ओलंपिक मेडल पार्टिसिपेंट्स को ओलंपिक खेलों में या कॉमनवेल्थ खेलों में, उनको उसके बराबर कर दें। उस पर आवाज़ उठाना हमारा हक है, अधिकार है, और हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उठा रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए आवाज़ उठाना इनका हक भी है और आज के समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों के घालमेल चल रहे हैं उसको एक्सपोज करने का काम कोई तो करेगा, और कोई तो ये रिस्क उठाएगा कि सरकार के खिलाफ भी, सरकार की पॉलिसीज़ में जो कमियां हैं उनको भी उजागर करेंगे, लोगों के सामने लेके आएंगे, क्योंकि ये युवाओं की ज़िंदगी का मसला है और उसको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि चलो इस बार ये हो गया तो अगली बार कुछ और हो जाएगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और इस पे ज़रूर सोचिए और सवाल उठाइए कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई सरकार जो हर चीज़ के लिए नियम बनाती है, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी नियम बनाती है, वो इस तरह से कैसे कर सकती है कि एक कोच के पद के लिए 21 दिन का एक जो ऑनलाइन कोई प्रशिक्षण होता है उसको लेने के बाद किसी को कोच लगाया जा सकता है, जबकि NIS किए हुए लोग हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। शुक्रिया मैम आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।